सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोरोहित यूट्यूब चैनल को और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो सैमसंग ने सैमसंग गैलेक्सी M30s का लॉन्च डेट कंफर्म कर दिया। 30 जुलाई को ये स्मार्टफोन इंडिया के अंदर लॉन्च किया जाएगा। लेकिन उसके बाद सभी के मन में अब एक ही क्वेश्चन है और आप मुझसे वही बात पूछ रहे हैं कि भाई सैमसंग का M31s तो 30 जुलाई को लॉन्च हो जाएगा, लेकिन पहले से जो सैमसंग का M41 का और M51 का जो लीक्स निकल कर सामने आ रहा था, तो ये दो स्मार्टफोन कब तक यहाँ पर लॉन्च होगा? हमको क्या सैमसंग का M31s स्मार्टफोन बाय कर लेना चाहिए या फिर हम लोगों को वेट करना चाहिए सैमसंग गैलेक्सी M41 के लिए? तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या कब तक सैमसंग का M41 लॉन्च हो जाएगा और आप लोगों को क्यों सैमसंग का M31s छोड़ के सैमसंग का M41 यहाँ पर बाय करना चाहिए और क्या आप लोगों को और कितना दिन यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और चैनल में पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी M31s के बारे में। तो जो लोग एक फ्रेश बायर है, जो अपने पुराने स्मार्टफोन से सैमसंग के इस स्मार्टफोन में अपग्रेड करना चाहते हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन ये होगा और उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोग सैमसंग का ही पुराना जिस तरह से M30s, M21 ये सब स्मार्टफोन अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद अगर आप लोग सैमसंग का M31s को बाय करते हैं, तो आप लोगों को उतना डिफरेंट देखने को नहीं मिलेगा। सैमसंग का M31s में सैमसंग ने कैमरा और डिस्प्ले के ऊपर इंप्रूवमेंट किया है, तो डेफिनेटली एक फ्रेश बायर के लिए ठीक है, लेकिन गेमर्स के लिए सैमसंग का M31s बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक्जिनोस का 9611 इस फोन में आपको मिलने वाला है और इसका आप लोग गेमिंग परफॉर्मेंस यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और बात करते हैं सैमसंग के M41 के लिए, तो ये जो स्मार्टफोन आएगा इसमें आपको मिल सकता है एक्जिनोस का 9630, जो कि कुछ दिन पहले यहाँ पर लीक्स होके सामने आया था। तो अगर आप लोग गेमिंग नहीं करते, अगर आपको एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए जिसका कैमरा अच्छा हो, जिसका डिस्प्ले अच्छा हो, जिसका बैटरी लाइफ अच्छा हो, तो मेरे ख्याल से सैमसंग का M31s एक परफेक्ट डील आप लोगों के लिए होगा। लेकिन अगर आप लोग गेमिंग में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, जिस तरह से पबजी वगैरह अगर आप लोग खेलते हैं और आप लोग थोड़ा ज़्यादा ही पबजी खेलते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको सैमसंग के M41 के लिए वेट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपको एक्जिनोस का 9630 मिलेगा, जो कि सैमसंग के एक्जिनोस के 9611 से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर वेट करना चाहिए। अब बात करते हैं कि वेट तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन कब तक ये स्मार्टफोन लॉन्च हो जाएगा? तो सैमसंग का M31s 30 जुलाई को लॉन्च होगा और 6 अगस्त से ये स्मार्टफोन अवेलेबल हो जाएगा बाय करने के लिए। और सैमसंग का जो M41 स्मार्टफोन आएगा ये अगस्त के एंड में लॉन्च होगा। तो आप लोग एक आइडिया लगा सकते हैं कि अगस्त के 27-28 तारीख तक ये स्मार्टफोन लॉन्च हो जाएगा और सितंबर के मंथ में, जो कि बहुत पहले भी लीक्स आया था कि सितंबर के मंथ में सैमसंग अपना M51 को लॉन्च करेगा। तो ये पूरा सिनेरियो कब कब लॉन्च होगा, मतलब हर मंथ सैमसंग अपने एम सीरीज में एक एक स्मार्टफोन्स को लॉन्च करेगा। पहला मंथ सैमसंग का M31s, दूसरा अगस्त के मंथ में M41 और तीसरा जो M51 आएगा सबसे हायर वेरियंट होगा सैमसंग के एम सीरीज का, वो लॉन्च होगा सेप्टेम्बर के मंथ में। और सैमसंग के M31s में मिलता है एक्जिनोस का 9611, M41 में आपको मिलता है एक्जिनोस का 9630 और M51 में आपको मिलेगा क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 730। तो ये पूरा लिस्ट है, डेफिनेटली मुझे पता होगा कि आप लोग किसके लिए वेट कीजिएगा। जो भी स्मार्टफोन लीजिएगा आपके ऊपर ही लीजिएगा, आपका रिक्वायरमेंट देख लीजिएगा कि आपको करना क्या है इस फोन के साथ। अगर आपको अच्छा कैमरा चाहिए तो M31s से लेकर M51 सभी का कैमरा काफ़ी अच्छा है, आपको किसी में कैमरा के ऊपर शिकायत नहीं होगा। लेकिन चिपसेट की बात करें तो M41 और M51 में थोड़ा बेहतर मुझे लग रहा है। तो आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग अपना राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।